हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं पारस आप सभी का पठेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने 10th क्लास की प्रचंड बैच की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जैसा कि आपको पता लग गया होगा अभी तक। तो हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने तीन चीजें डिस्कस की थी विद बेसिक। पहला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच क्या होता है, बी बाई एच क्या है, पी बाई बी क्या है, जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल हो पा रही थी। सेकंड हमने डिस्कस की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, टेन थीटा, कोर थीटा, साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा, क्लियर है। नंबर थर्ड पे हमने बात की थी कि एंगल चेंज होगा तो रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइन 30 क्या होता है, साइन 90 क्या है, कोर 30, सेकेंड 30 वगैरह वगैरह। हमने ये बेसिक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि एवरीथिंग कैसे चल रही थी, चीजें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, बात कर ली थी। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी नोट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये इस एग्जाम में भी पूछे जाएं, जो कि आपका 4 मार्च को मैथ का एग्जाम है पंजाब बोर्ड का, और मे बी 19 के बाद फेब को एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का मैथ का, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन 1 आज की क्लास का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा 90 है, अल्फा क्या है बीटा बाय 2, देन फाइंड टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा। अब बेसिकली अब हमें लगा पता कि अल्फा एंड बीटा क्या है, कोई दो एंगल्स हैं, अल्फा एंगल कोई और है, बीटा एंगल कोई और है। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन अल्फा की, किसकी निकालनी है, टेन बीटा की, दोनों को क्या कर देना है, मैंने मल्टीप्लाई, मेरा आंसर आ जाएगा आपने यहां पुट कर देना, क्लियर। अब ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको वैसे लिख दूं, यहां टू डिवाइड में था, इधर आकर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई। तो जहां पर बीटा है उसको मैं क्या पुट कर दूं, टू अल्फा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मैथ्स का कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई मैथ्स का रूल ब्रेक किया, क्वेश्चन होगा गलत, कटेंगे आपके मार्क्स, परसेंटेज जाएगी डाउन, ठीक। अब अल्फा है लिख लिया, प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टू अल्फा, अल्फा प्लस टू अल्फा कितना हो गया, ये थ्री अल्फा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 बाय 3 कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर अल्फा एंगल 30 डिग्री है, अगर अल्फा एंगल 30 डिग्री है तो बीटा क्या होगा भाई, 30 का डबल यानी 60 हो गया, 2 अल्फा बीटा था, अल्फा की वैल्यू 30 है, यहां पुट करेंगे 2 × 30 डिग्री कितना हो गया मेरे पास 60 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, खत्म बात। अब टेन अल्फा क्या है 30, अल्फा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 30, बीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है 60 पुट कर दिया, टेन 30 की वैल्यू, हाँ जी फटाफट बताएं, कल हमने टेबल में करी थी कि टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ऊपर है नीचे है, कैंसल आउट हो सकते हैं, तो मेरा बेसिकली आंसर क्या बन गया 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास क्या आंसर आया, 1 आ गया, क्लियर बात। आप जल्दी साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका भी आंसर ये बना के नहीं, क्लियर बात, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड ये क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कोर थीटा 2 के इक्वल है, हमने क्या फाइंड करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोर स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखो
ये गिवन है, यहाँ पावर वन है, पावर वन है, ये फाइंड करना है, यहाँ पावर क्या है टू, मतलब दोनों साइड हम स्केयरिंग कर दें, तो लिखिए फर्स्ट स्टेप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दी भाई, स्केयरिंग कर दी। हाँ जी, फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां भी स्केयरिंग करनी है इसको, बेसिकली टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्केयर, टू का स्केयर फोर। तो कल हमने एक आइडेंटिटी भी डिस्कस की थी कि ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी के, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये वाला, आपको याद करना है। ए क्या है टेन थीटा प्लस है, प्लस है, बी क्या है कोट थीटा स्केयर है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे, राइट हैंड साइड में तो फोर है, खत्म बात। हाँ जी, ए स्केयर क्या होगा टेन स्केयर थीटा, बी स्केयर है कोट स्केयर थीटा प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, इक्वल टू में क्या पड़ा है फोर। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, हमने बेसिकली क्या किया, हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू गिवन था, यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर टू है, तो पावर टू बनाने के लिए मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दिया, स्केयरिंग करने के बाद ए प्लस बी का होल स्केयर अप्लाई कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ठीक है। अब मुझे पता है कोड थीटा क्या होता है भाई, वन बाय टेन थीटा, कोट और टेन एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, आपको ब्रैकेट में लिखना है कोट थीटा इक्वल टू वन डिवाइड बाय टेन थीटा, टेन से टेन कट गया तो ये सारी टर्म तो खत्म, ओनली क्या बच गया टू इक्वल टू फोर, साथ में पढ़ा वैल्यू हमें चाहिए इस टर्म की, साथ में कौन पड़ा है प्लस टू, उधर जाएगा ये क्या होगा माइनस का, तो क्या बना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर माइनस टू, आंसर क्या बन गया मेरा इसका टू, टू इज माय राइट आंसर। मैं चेक कर रही हूँ ये बोर्ड आपको विजिबल है, दिख तो रहा है। हाँ जी रजी, कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपली मैंने क्या किया, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साथ में प्लस था तो हम उधर जाकर इसको साइन चेंज कर सकते हैं, फोर माइनस टू क्या आ गया टू, दैट इज माय राइट आंसर। हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फास्ट। हाँ जी क्लियर भाई, आप उधर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज गिवन है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, ये देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे से। हाँ जी, अब मैंने आपको कल तीन आइडेंटिटीज बताई थी, याद है मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज बताई थी, तीन आइडेंटिटी में से सेकंड वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होने वाली है, तो सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, याद है, याद है भाई, मैंने ये वाली आइडेंटिटी आपको करवाई थी। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में यहाँ कोट है, कोट सॉरी मैंने गलती से उतार दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, अब ठीक है, ठीक है। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या थी भाई,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। याद है भाई, मैंने आपको ये आइडेंटिटीज करवाई थी, यहां पर प्लस आएगा। तभी सोचो ये कुछ बन क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वन को मैं क्या लिख सकता हूं ऊपर, सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। नीचे वन को क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन सिंपल चाहिए। न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली टर्म में कितनी है, एक और दो, नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स पड़ी हैं। तो मैंने करनी क्या है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव दैट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि उस क्वेश्चन में हमेशा सिंगल टर्म बचे। यहाँ टर्म्स दो बच रही हैं मेरे पास बेसिकली। तो करना क्या है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो वन की जगह आप पुट कर सकते हो। मैंने वन को रिप्लेस कर दिया सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा सेम पड़ा है, डिवाइड बाय, यहां पर क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहां वन को रिप्लेस कर दूं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है माइनस का है कैंसल, ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसल। तो क्या बचा, सेकेंट स्क्वायर थीटा बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अभी भी टर्म एक ही नहीं बनी, टर्म अभी भी दो है। चलो ऊपर दो थी तो यहां एक बन गई, नीचे दो थी एक बन गई, पर अभी भी दो टर्म्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक चीज और चीज डिस्कस की थी कि यहां लिखते हैं, चलो ये तो हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था वन माइनस कोस थीटा क्या होता है, सिकेंड थीटा। वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। अब यहां पर स्क्वायर है तो यहां हम स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैंने सिकेंट थीटा को क्या लिख दिया, वन बाय कोस थीटा उसका स्क्वायर। कोसेकेंट थीटा क्या आएगा, वन बाय साइन, तो ऊपर चला जाएगा साइन बाय वन। हाँ जी भाई, बात क्लियर? ठीक है, अब ये क्या बन गया अभी, साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। मैं चेक कर लू ये साइड में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी भाई, क्लियर है। हमने तीन चीजें करी, पहले तो वन को ऐसे लिख दिया, आइडेंटिटी यूज करी, वन को ऐसे लिख दिया, आइडेंटिटी यूज करी, सेम सेम कैंसल, साइन ऑपोजिट है नीचे भी कैंसल, साइन बाय कोस बचा, सॉरी सिकेंड बाय को सिकेंड बचा, इनको इन टर्म्स में साइन बाय कोस ले आई, टर्म एक बच गई, दैट इज माई आंसर। ये आपके पास एमसीक्यू में आया है क्वेश्चन, ये वाला एमसीक्यू है जहां से मैंने लिया है, ये वाला भी एमसीक्यू है, ये वाला भी एमसीक्यू है। अगर बाय चांस एमसीक्यू ना आकर आपको टू मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ ले, तो आप दिस मेथड को फॉलो। अगला क्वेश्चन क्या है, टू टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है हम। हाँ जी, टेन थर्टी अभी हमने बताया, टेन थर्टी क्या था भाई, वन बाय रूट थ्री। नीचे क्या है, वन माइनस टेन थर्टी का स्क्वायर। अब टेन थर्टी क्या है मेरे पास, यहां देखिए, टेन थर्टी क्या था, वन बाय रूट थ्री। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपल ये क्या बचेगा मेरे पास, वन बाय थ्री बचेगा, यही बचेगा, वन माइनस वन बाय। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एलसीएम। ऊपर क्या बचा, टू वन जार टू, नीचे रूट थ्री डिवाइड बाय, थ्री वन जार थ्री,
वन वन जार वन, नीचे क्या है थ्री है, थ्री माइनस वन कितना होता है भाई टू, टू बाय रूट थ्री डिवाइड बाय टू बाय थ्री, ऐसे हो। अब ये टर्म ऊपर जाकर उलट जाएगी, ये क्या बन गई टू बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाय टू, खत्म बात, टू से टू कट जाएगा, अभी भी क्या बचा थ्री बाय रूट थ्री। अब हम क्या करेंगे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री, हम ये करते होते हैं बेसिकली। अब रूट थ्री दो बार आ गया तो हम नीचे क्या लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, तो रूट थ्री कैंसल, ओनली क्या बचा अंडर रूट थ्री। तो हमें पता है अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है भाई टेन सिक्सटी, तो ये एमसीक्यू था तो बेसिकली सीधा इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास टेन सिक्सटी डिग्री, जहां पर फोर्थ ऑप्शन 60 डिग्री है टेन सिक्सटी है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो। समझ आ गया कि नहीं आया, इस तरह मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, ये भाई कहां से मिट गया। ठीक है, आप साथ साथ लाइक भी करते जाइए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, हम उसको करते हैं, थोड़ा लेंथियस क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ये दीवार को हटा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है टेन सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये पूछता है क्वेश्चन। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन तभी होगा अगर आपको ये तीन आइडेंटिटीज पता होंगी। हाँ जी भाई, पहली आइडेंटिटी क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकंड क्या थी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, थीटा मैंने यह एंगल ए लिया है, कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं। अब अगला क्या है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। हाँ जी, पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, मुझे साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, ए इंटू बी, ठीक है, प्लस ये वाला। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी तो अप्लाई करना होगा, यहां भी अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अप्लाई कर दिया। अब
प्लस में है तो आई डोंट थिंक कि ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए उस फिगर को, गिवन है ये चीज, ठीक है, मतलब एग्जाम में गिवन नहीं होगी, मैंने आपको बता दी कि यहां पर ये यूज होने वाली है। अब क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से, यहां पर क्या है टैन ए कोट ए, बट यहां तो ना तो टैन है ना तो कोट है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां पुट करनी पड़ेगी, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां पुट करनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट है। अब माइनस का है टेन, राइट साइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो ये क्या बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कर सकते हैं, क्यों, यहां हर एक टर्म प्लस में है, तो मैंने एक्स को आइडेंटिटीज को प्लस में लिख दिया। अब लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 है तो मैंने इसको साथ में लिख लिया। अब कौन कौन बच गया, बेसिकली प्लस में क्या है कोसेकेंट स्क्वायर ए, प्लस में क्या है यहां पर सेकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे पता है साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सेकेंट, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं 2 sin a multiply 1 by sin a। अब इसकी बारी, प्लस 2 cos a multiply 1 by cos a, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है कैंसल, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है कैंसल, तो बना बनाया हमें क्या मिल गया 2 plus 2, 2 plus 2 कितना हो गया 4। अब इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, तो 5 तो बना बनाया हमें मिल गया। कोसेकेंट की वैल्यू 1 plus cot square a, यहां पर अप्लाई कर दूं मैं 1 plus cot square a, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1 plus tan square a, यहां भी अप्लाई कर दूं 1 plus tan square a। 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, साथ में कौन बचा टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, क्या हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। अगर एग्जाम में आ गया तो फोड़ दोगे कि छोड़ दोगे, एग्जाम में आएगा तो फोड़ना है छोड़ना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, बस कंसेप्ट क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन प्रूव दैट वाला एग्जाम में पूछता है तो करना कैसे है, इन बेसिक 3 आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है या फिर ए और बी स्क्वायर के फॉर्मूलेज को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते, क्या था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाकी सारा सेम। चैप्टर खत्म, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, मन करे तो शेयर कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो वीडियोस देखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।